देखो कितना अच्छा प्यार चल रहा है इन सबका। और मेरे को तक डर लग रहा था, लेकिन ना इसने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया बब्जी ने। यहाँ पे राहुल कर रहे कॉफी बीट और दोनों बच्चों ने आज राहुल का पी लिया है खून। राहुल के ऊपर चढ़ गए बुरी तरह। ओहो, किसने भेजे हैं फ्लावर्स हमें भी बताओ। चिट्ठी है ना, मैं पता नहीं। साथ में चिट्ठी भी और फेरो रोशो। इतने महंगे कॉफी मुझे कौन दे सकता है। मनिया 500 रुपए के लिए लड़ रही है। ओ वाओ, तो फाइनली हो गई है अनबॉक्सिंग। हमने खरीद लिया है पैसे देके और 500 रुपए पूरे नहीं दिए मैंने ऊपर के, तो 26,000 में हमने रोड का माइक खरीद लिया। और यहाँ सुबह के बजे हैं 11:15 और यहाँ हमारा ब्लॉग चल रहा है। और मुझे नहीं पता मन्नी के लिए कुछ क्या सामान आया, पर किसी ने उसको फ्लावर और केक्स भेजे हैं। हाँ, तो इसको किसी ने केक और फ्लावर भेजे हैं। कौन भेज सकता है? तुमने तो आता कैसा रोमांटिक जेस्चर किया। पता है? हाँ जी भैया। अरे जैसे जो पैरों के बीच में देखने के लिए। पैरों के बीच में नहीं, सुसु कर रही है वो नीचे। हाँ तो कुछ नहीं होता, करने दे। ओहो, किसने भेजे हैं फ्लावर्स हमें भी बताओ। चिट्ठी है ना, भी पता चले। साथ में चिट्ठी भी ऑफर है रो रोशर। इतने महंगे टॉफी मुझे कौन दे सकता है। चिट्ठी खोल के देखिए कौन है। कौन है बताना। अरे रुक जा, आते के साथ ही फूल फाड़ देगी क्या। तो गाइस कोई नहीं है ये, ठीक है। फालतू है ना सीन क्रिएट कर रहा है राहुल, मेरे ऑफिस से आया है। You have been an essential part in our team's journey and success. We are eternally grateful for the dedication and passion you have shown in the work. Thank you for being with us. Happy work anniversary. 2012 में मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की थी और उसके बाद मैंने कोई कंपनी चेंज नहीं की, तो मुझे आज अपनी कंपनी में 11th ईयर हो गया है कंप्लीट। अब 12th ईयर स्टार्ट हो गया है, तो दैट इज वाई मेरी कंपनी ने मेरे को फ्लावर्स भेजे हैं और एक चॉकलेट का बॉक्स भेजा है। तो यस, ये रीजन है। थैंक यू तो कर दे कम से कम। थैंक यू सो मच टू माई मैनेजर, अगर आप ये देख रहे हो। आई होप आप ये ना देख रहे हो, बट आप ये देख रहे हो। थैंक यू सो मच, और यू आर अ ग्रेट मैनेजर। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर टीम। अच्छा राहुल एक बात बताओ, तुमने खानी है? नहीं, मैं नहीं खा रहा। मैं भी नहीं खाती। नहीं मीठे काम करते हैं, इसको ना रख देते हैं। कभी हमारे घर में कोई बच्चा है या कभी दिवाली होली पे किसी को कोई गिफ्ट देना हो। दिवाली होली तो बचा के रखेगी। हाँ, तो ये एक्सपायर थोड़ी होती है। 10 जून 2023। तो जून से पहले किसी बच्चे को दे दूंगी ना, कहूंगी गिफ्ट ले लो, खुश हो जाएंगी बच्ची। क्यों पैसे वेस्ट करने यार, छुपा रहे हो कि 500 रुपए ही है। तो जरा कमेंट में आप भी बताना कि आप भी कभी कभी ऐसी चिंदीगिरी करते हो मेरी तरह की, कोई चीज आती है गिफ्ट आती है और आप ना उसे बचा के रख लेते हो कि आगे फॉरवर्ड कर दोगे। हमारे साथ ना मेरी शादी से पहले एक बार ऐसा हो चुका है, मेरी दादी के ब्रदर ने ना उनको कुछ गिफ्ट दिया था और ना हमने, मेरी दादी ने ना कहा कि इसको क्या करना है, हमारे पास तो मयूर जग है तो हम लोग इसको ना दीवान में रख लेते छुपा के। तो 2-3 साल ना उन्होंने बड़े मजे से ना उसको दीवान के अंदर छुपा के रखा और ना 3 साल बाद वो भूल गई किसने दिया। और ना 3 या 4 साल बाद ना उन्होंने वही गिफ्ट निकाल के ना दिवाली में इधर का गिफ्ट उधर कर देते हैं ना, तो उन्होंने ना वही मयूर जग पैक करके वापस उनको दे दिया। और ना वो इतना हमसे नाराज रहे 2 साल की हमने उनका ही गिफ्ट 4 साल पहले दिया हुआ उन्हीं को वापस दिवाली में दे दिया। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके भी ऐसे कोई किस्से हैं या फिर आपकी मम्मी भी ऐसा करती है तो जरूर बताना। यहाँ पे राहुल कर रहे कॉफी बीट और दोनों बच्चों ने आज राहुल का पी लिया है खून। राहुल के ऊपर चढ़ गए बुरी तरह और जे ने तो बहुत ही आफत उठाई हुई है। जे क्या है? बोल बेटा बोल, पापा हूँ मैं तेरा। अरे छोड़ ना, तुझे क्या करना है? खबरदार मैंने बेटे को डांटा तो। अरे यार चुप रहे यार। शिवाय दोनों बच्चों ने ना अच्छे से खून दे बेटा, तेरे पापा पहले क्या करेगा ये ले। नहीं 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 पापा किसी करो पहले, तू भी कर, तू भी कर किसी किसी कर। वैसे तो तुम बात नहीं कर पाते है मतलब खोर। हाँ गोगो, आई मेरी गोगो, हाथ दे, हाँ मेरा गोगो, हाँ दे, आ मेरे को मारती गोगो, मम्मी को गोगो मारती है, और मेरा बच्चा कहाँ हुआ? किसी का तो कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? तो फाइनली हम जा रहे हैं लास्ट वन, फाइनली से स्टार्ट होता है इनका सब कुछ। ये शुरुआत भी करते हैं फाइनली सुबह उठेंगे तब भी कहेंगे गुड मॉर्निंग, फाइनली सुबह हो गई। फाइनली हम जा रहे हैं लाजपत नगर और यहाँ आपको दिख रही है साउथ दिल्ली की मार्केट। ये हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। बहुत लोगों की शिकायत या फिर रिक्वेस्ट आई कि आप ना अपना साउंड पे ना थोड़ा वर्क करो। तो साउंड पे वर्क कैसे किया जा सकता है, सिर्फ एक ही चीज बची है, पैसे खर्च के। तो किश्तों के ऊपर हम लेने जा रहे हैं एक माइक अपने कैमरे के लिए,
और वो क्या है कैसा है वहां जाके पता चलेगा, हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो जो वो कहेंगे हम वो देखेंगे, उसके रिव्यूज जो है पढ़ लेंगे। तो ये सिर्फ हो रहा है, पैसे खर्चे जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने हमें धोखा नहीं देना है और हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हम 6 महीने की नो कॉस्ट EMI कराएंगे। और अगर नो कॉस्ट EMI नहीं हुई तो फिर हम 1-2% या फिर 7% है ना, मुझे कुछ नहीं होता जो भी है। अभी जाके पता चलेगा कौन से कार्ड पे क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर देखते हैं कितने का है। हम बजट लेके चल रहे हैं 10-15 हज़ार रुपए का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा 20 हज़ार रुपए लग जाए। लाइफ के अंदर हमने ये चीज बहुत अच्छी सीखी है कि अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। अगर नीयत अच्छी है ना तो तुम्हारे साथ बुरा कभी भी नहीं होगा। तो अच्छी नीयत के साथ हम जा रहे हैं एक माइक लेने। और अभी अभी थोड़ी देर में मैंने सर्च किया है अमेज़न के ऊपर क्या क्या रेट है, तो हमारे बजट से तो बहुत ही बाहर है। बजट हमने 15-20 हज़ार रुपए का है। स्वाइप करो, ऐश करो, ठीक है। अगर उसमें पैसे हमें देने पड़ेंगे ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो मन्नी ना, जब भी मन्नी को ज्यादा प्यार मिल जाता है ना तो ये ना दिल खोल के लुटाने में लग जाती है, ठीक है। यार अभी भी इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं व्लॉग पे कि वीकेंड पे क्या 2 व्लॉग पॉसिबल है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे प्यार से लोग। तो हाँ हाँ सब पॉसिबल है, क्यों नहीं सब करेंगे यार। तो हम इसके बाद ना कैमरे से शूट करेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं लाजपत नगर, हमारी एक फिक्स शॉप है वहीं से लेते हैं, तो वहीं ले जा रहे हैं। और ये मेरा नया पीला बैग है, कैसा लगा आप लोगों को? इसकी प्राइस गेस करो कितनी है, तुम बताओ। 300 रुपए। यार इतना ही मत करो, ओनली का है 500 रुपए। नहीं 1000 रुपए का है, और ड्रेस भी पूरी ओनली की है। मेरे लिए नहीं खोला। सॉरी हैं, बड़ा मजा आता है ना तुझे। 1000 रुपए पर्स लिए हैं। यहाँ हम पसंद कर रहे हैं शॉर्ट गन माइक। एनटीजी फोन क्या है? फाइनल किया है रोड वाला ये माइक, और ये हमें पड़ेगा कुछ 27-28 हज़ार। बहुत ज्यादा है ना मेरे बजट से। हाँ हमेशा कभी उतनी दिखाई नहीं दे रही, पर कोई नहीं। हम ये वाला कैमरा यूज करेंगे अपना पुराना प्रिमिटर A7C, और देखते हैं 2.5 लाख प्रिमिटिव किसने दे देंगे, मेरी कवर टूट गई, तुम कह रहे हो प्रिमिटिव। तो ये बहुत पुराना कैमरा है, ये मैंने राहुल को गिफ्ट किया था 2021 में उनके बर्थडे पे, है ना, जब जे और राहुल, जे पैदा हुआ था और राहुल का था 33rd। तो अब ये कंप्लीट हो गया, देखते हैं क्या क्वालिटी निकल जाती है। मैं सोचूं मोमोस खाऊंगी और नहीं खाऊंगी, हमारी पक्की हुई है बात दिल की। हो तो गई है बात, कोई ना हो, मैं नहीं दे रही हूँ। मन्नी यहाँ 500 रुपए के लिए लड़ रही है। 500 रुपए का लंच नहीं करना, मैं बना के नहीं आई हूँ। खाने पीने के लिए कुछ भी जो बोलेंगे वो मंगवा। अरे नहीं चाहिए सर, हम पे तरस खाओ, हमारा शरीर देखो मोटे मोटे, कुछ मत खिलाओ। 100 रुपए नहीं दूंगी मैं फालतू, करो 1-0 करो, कर दो ना। MRP से पहले इतना लेस कर रखा है हमने, MRP 33,000 की है। अगर मैं लेकिन पॉसिबल नहीं होगा, मैं नहीं दे रही ना कार्ड, मैं आपको दे रही हूँ UPI। 200-300 नहीं, 0 पूरा। ये फाइनली मन्नी ने मना ही लिया, 500 रुपए हटवाई दिया। फ्री की प्रमोशन कर रही हूँ, गोलू फोटोज नाम की दुकान, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। इन्होंने 500 रुपए में ना मेरी वो खरीद ली, क्या बोलते हैं, फ्री की प्रमोशन। पेट बड़ा सस्ता कर दिया तूने अपना रेट, 500 रुपए। ओ वाओ, तो फाइनली हो गई है अनबॉक्सिंग, हमने खरीद लिया है पैसे देके, और 500 रुपए पूरे नहीं दिए मैंने ऊपर के, तो 26,000 में हमने रोड का माइक खरीद लिया है। और अब ये लगेगा हमारे कैमरे के ऊपर, और खुश हो मोटे बहुत ज्यादा है। और इसके बाद वाली जो क्लिप आएगी ना वो इसी से आएगी, देखते हैं वॉइस करने कितना आ रहा है, मॉड्यूलेशन कितनी ऊपर नीचे। यहाँ पे नहीं पता चलेगा, रोड पे पता चलेगा, रोड पे रोड का फायदा पता चलेगा। और यहाँ खरीद लिया है माइक फाइनली, और ये अपने उधर से शूट कर रहे हैं, मैं इधर से, दोनों क्लिप डालूंगी और आप देखना कैसा लगा तुम्हें। बहुत अच्छा, मजे आए, खुश हो तुम। इस लड़के को ना खाना मत दो, कपड़े मत दो, कुछ मत दो, लेकिन ना जब गैजेट्स ले लो ना तो ये लड़का इतना खुश हो जाता है ना, देखो स्माइल देखो चेहरे क्या तरीका है यार ये? बन्नी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? एक ही जूते हैं मेरे पास। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा गुस्सा, कोई तमीज है सड़कों पे ऐसे पानी फेंकने की? उसने देखा नहीं था क्या? माफ कर दो उसे, माफ कर। तो फाइनली हमने माइक ले लिया, फाइनली फाइनली हो गया तुम्हारा। यस फाइनली।
और मन्नी बहुत गुस्से में आ गई थी, जब भी ये पैसे खर्च देती है ना गुस्से में आ जाती है, तो इवेंचुअली जब भी ये पैसे खर्चे इसके आसपास कोई ना हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, अभी तूने उस बेचारे को कितना डांटा है यार। मैंने इसलिए डांटा, पता क्या होता है, पानी फेंक दिया पीछे, देख तो लोग कोई आ रहा है, बंदे के पास मतलब मसा मसा एक पेयर ऑफ शूज है जो मैं पहन के आई हुई हूँ। और वैसे भी जोई ने तेरे शूज काटने शुरू कर दिए। वही तो, पर गुस्सा नहीं करना, मैं नहीं गुस्सा नहीं करना पब्लिक। अच्छा भाई थूक दिया गुस्सा, कुछ खिला दो। यस चलो यार, माइक खरीद लिया तो क्या शूटिंग करते रहोगे, बंद करो। यहाँ बारिश शुरू हो गई है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में मौसम ऐसा हो गया कभी भी कुछ भी हो सकता है। उठ जा चल, उठ शिबू, उठ चल, उठ जा, मम्मा जा रही है घूमी घूमी। शिवाय को उठाने का एक ही तरीका है, जब बोलो घूमी घूमी। चल उठ जा, उठ मेरे बच्चू, उठ जा, उठ जा चल। और यहाँ हम जा रहे हैं जिम, मन्नी तैयार हो रही है, शिबिया को हमने बुला लिया। और यहाँ जोई आ गई है फाइनली, मन्नी तो आजकल हर जगह ही होती है, फाइनली तो ये दोनों आते हैं, ओला और बब्बा। चलो बैठे हैं। वो बब्बा और ये रात की वॉक करके आए थे, तो फाइनली आज इन तीनों को दोबारा हम मिला रहे हैं। दूर दूर से बब्बी, दूर दूर से। अरे ये सुनने देना, अरे अभी बाबू इसकी बूस्टर शॉट तो रह गई है ना। तो देखो कितना अच्छा प्यार चल रहा है इन सबका, मेरे को गुदगुदी हो रही है, वो पीछे से ना पैर टेल वैक कर जा रही है अपनी बैठी। हाँ ओला, क्या हुआ बब्बू? ओला कितनी काइंड है ना, उठा ले उसे, है ना, उठा लूँ ना, हट बब्बे, उठा उसे, जो ही तो करके उठा उसे, एक सेकंड है, डोंट लेट हर लूज। हाँ जी, ये नहीं मानती ना जो, ये भागती है नीचे। हाँ बब्बे, बब्बू ना प्रेगनेंस ले रहा है, पीछे सुन लेगा क्योंकि इनके पैक के अंदर आना है ना इसमें भी। नो बब्बी ओला, जोई को ना मैं अंदर छोड़ के आ रही हूँ, क्योंकि ना ये मेरे को ना प्यार नहीं करने दे रही, इनको ये नीचे उतरने की जिद कर रही है, और अभी पूरा उतारना नहीं। कल शिवाय भैया का बर्थडे है, तुम्हें याद है दोनों को, है तुमने एक बार भी पूछा मम्मा क्या गिफ्ट लाए हो, क्या दे रहे हो शिवाय भैया को, क्या करनी है पार्टी, है तुम अपने में मस्त रहते हो हर वक्त बालकनी में, कोई मतलब है तुम्हें, कोई मतलब है बब्बू को, कोई मतलब है आपको? हाँ मेरे को अपनी टीथ दिखाओ मत, आप मुझे आपसे डर नहीं लगता, मेरा बब्बा गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ ना कर उसका प्यार। हाँ बेटू बता, तुमने भी करनी कल पार्टी, कल दादू आएंगे, दादी आएगी, बब्बे अब नानू आएंगे, नानी आएगी, सबके साथ पार्टी करेगी वाला, पार्टी करेगी, आप भी करोगे बब्जी पार्टी? हाँ कल का फिर क्या प्लान है राहुल? फाइनली कल का कुछ नहीं, पहले शिवाय स्कूल जाएगा, फिर मंदिर जाएगा आके, तो फिर रात को और कुछ खाना पीने जाने का मन है तो चलेंगे। छोटा सा एक डिनर प्लान कर लेते हैं ना, ठीक है, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ठीक है ना, और केक हमारे घर पे ही काट लेंगे, अरे मतलब दोनों तरफ के पेरेंट्स, और क्या कहते हैं केक ना यहाँ पे ना अपने ड्रॉइंग रूम में ही काट लेंगे, ठीक है ना, ताकि बच्चे भी घर पे देख ले केक कटिंग की सेलिब्रेशन। अच्छा बब्बू देखो यार, छोटा सा था मैं देखो गोदी में उठा के लाई थी, है उस टाइम किस में क्रेटा में लाए थे ना हम इसको, क्रेटा में ही थी, क्रेटा ही थी तब हमारे पास। और ना तू इतना सा था, छोटा सा, तेरा वेट भी पता कितना होगा, शायद 4 से 5 किलो, और 20-25 दिन का था ये सिर्फ। और क्या कहते हैं, इससे ना मैंने पहली बार ना कोई पपी अपने हाथ में पकड़ा था, मैंने इससे पहले कभी कोई पपी नहीं पकड़ा था अपने हाथ में, और मेरे को इतना डर लग रहा था, लेकिन ना इसने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया बब्जी ने, लेकिन इसने ना मेरी गोदी में बैठते ही ना सबसे पहले शुशु गया और ना पूरे रास्ते में गीले कपड़ों के साथ आई, और उसके बाद इतना सा छोटा सा, और अब देखो मेरा बाबा कितना बड़ा हो गया है ना, कितना बड़ा हो गया मेरा बब्जू, मेरी जान छोटी सी। देखो पता, पापा ने ना तेरे लिए स्पेशल रोड का बाइक खरीदा, ताकि ना हम जो भी तेरी वीडियोस रिकॉर्ड करें ना वो क्लियर में आए। अब बताना गाइस कुछ फर्क नजर आ रहा है, ये जो क्लिपिंग है ना ये रोड के माइक पे शूट हो रही है, अगर आपको कोई डिफरेंस पता चले तो जरूर कमेंट करके बताना। हाँ चलते, मेरे को ना शिवाय का बैग भी पैक करना है, वो सारे जो गिफ्ट्स है ना वो नोमी को दीदी को अच्छे से समझाने हैं। और अभी मैंने ना राहुल, हम लेके आए हैं ना कैडबरी सेलिब्रेशन के डब्बे, उसके अलावा ना मैंने 25 सिल्क चॉकलेट और मंगाई है,
ठीक है। नौमी दीदी बता रही है टीचरों को भी बांटते हैं बच्चे। अच्छा, तो हर क्लास में दो टीचर है, 8 सेक्शन है नर्सरी पे आपके ग्राउंड फ्लोर पे, तो उस हिसाब से कम 20-25 टीचर्स हेल्पर्स आया दीदी सब कुछ सब मिला के, तो 25 मैंने सिल्क और मंगाई। इस मौसम में ना मुझे लग रहा है ये इस बार ब्लेसिंग इन डिसगाइज है सारे पेट पेरेंट्स के लिए जिनको बहुत तकलीफ होती है। आज भी ना राहुल हमें एक कॉमेंट आया था, कोई एक अनफॉर्चुनेटली ना किसी का किसी के पास ना रॉटवाइलर था हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स के पास, और वो कह रहे उनके रॉटवाइलर को ना हीट स्ट्रोक आ गया, ही इज नो मोर। तो ऑल आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस फ्रॉम नमितोलॉजी फैमिली आपके डॉग के लिए। गाइज ये मौसम जो है ना, अगर आप पेट पेरेंट्स हैं तो चाहे रॉटवाइलर हो चाहे कोई भी और ब्रीड हो आपके पास, आपने ध्यान रखना है कि आप इतने भी मस्त मत हो जाना अपने डेली रूटीन में कि आप भूल जाओ कि इनको हाइड्रेटेड रखना है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका डॉग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पी रहा है। अपने लिए अगर आप एसी चला रहे हो घर में तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने डॉग को भी थोड़ी देर एसी में जरूर बिठा रहे हो। ये सब चीज़ें आपने ना एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे जरूर करनी है, और कोशिश करो जहाँ इन्हें बिठा रहे हो ठंडा एनवायरनमेंट हो, थोड़ा सा गर्मी बहुत है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये लोग भी एक सोल है, इनके अंदर भी वही जान है जो हमारे अंदर है, तो आप केयर करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बच्चों के रात के 9:30 आई गेस, और अब करना है शिवाय का स्कूल का बैकपैक, सुबह उसके बर्थडे की तैयारी करनी है। कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शिवाय का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाएंगे, हमारी पूरी फैमिली प्रेजेंट होगी कल, तो जरूर देखना कौन दादा दादी, तो आप जानते हो कौन है नाना नानी, और पूरा सब कुछ उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। शिवाय के लिए जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बर्थडे मैसेज छोड़ना आज के ब्लॉग में भी और कल के ब्लॉग में भी। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है फॉर शिवाय, अपना प्यार बनाए रखिए। ओके गाइस, बाय बाय।